यह है मेरा पुराना ईगेट i9 LCD LED प्रोजेक्टर। क्या इस नॉर्मल प्रोजेक्टर को स्मार्ट प्रोजेक्टर में बदला जा सकता है, जिसमें वाईफाई, स्क्रीन मिरर या वायरलेस स्ट्रीम का फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है? ये इंटरनेट से तो कनेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक HDMI पोर्ट दिया गया है। आज इसे ही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक नॉर्मल प्रोजेक्टर स्मार्ट प्रोजेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप मुखर्जी और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस स्टेप्स को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेप्स मिस किए तो ये समझ से परे होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक Amazon Fire TV स्टिक। आज पुराना प्रोजेक्टर में मैं इसे कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों यार मित्रों के साथ अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो आइए देख लेते हैं ये खास वीडियो। यह है Amazon Fire TV स्टिक सेकेंड जनरेशन। मार्केट में अभी थर्ड जनरेशन अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो। सबसे पहले इसे करते हैं अनबॉक्सिंग। इन द बॉक्स क्या क्या दिया गया है एक बार गौर कीजिए। फायर टीवी स्टिक, HDMI एक्सटेंडर, पावर एडाप्टर, USB केबल, वन एलेक्सा वॉइस रिमोट सेकेंड जनरेशन, टू AAA अल्कलाइन बैटरीज और एक यूजर मैनुअल। HDMI पोर्ट में फायर टीवी स्टिक को लगाते हैं। फायर टीवी स्टिक को पावर सप्लाई देने के लिए इस कनेक्टर को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो फायर टीवी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। होम इज करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, लाइट ऑफ कर देते हैं। मैंने पासवर्ड इसमें एंटर कर दिया है। अब इसे करना पड़ता है कनेक्ट। सेव वाईफाई पासवर्ड टू अमेज़न, फिलहाल इसे करते हैं नो। तो आप देख सकते हो ये इंटरनेट के साथ बिल्कुल जुड़ चुका है। बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप कोई भी प्रोजेक्टर में ये काम कर सकते हो। इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ मूवीज एंड टीवी शोज का मजा ले सकते हो, अलग अलग एप्स चैनल्स का। तो आप देख सकते हो सोनी लिव, G5, फायरफॉक्स। तो आप देख सकते हो वायरलेसली ये बिल्कुल ही स्ट्रीम हो रहा है। तो आपने देखा ईगेट i9 प्रोजेक्टर Amazon फायर टीवी स्टिक सपोर्ट करता है। LCD LED प्रोजेक्टर है, फिर भी मैंने इसे इंटरनेट के साथ जोड़ा है। अलग अलग एपिसोड्स, मूवीज, स्पोर्ट्स का मज़ा आप ले सकते हो। अगर आप मोबाइल से इसे कनेक्ट करते हो तो मोबाइल का नेटवर्क Amazon फायर टीवी स्टिक के साथ जुड़ा होना चाहिए, एक ही नेटवर्क पे होना चाहिए। अगर राउटर पे आप इसे ऑपरेट करते हो तो उसका पासवर्ड और फायर टीवी स्टिक का पासवर्ड एक ही होना चाहिए। तो प्रोजेक्टर में भी ये बिल्कुल काम करता है। फिलहाल मैं YouTube पे जाता हूँ। Amazon Fire TV Stick बहुत ही कारगर डिवाइस है आज के युग में। अगर Fire TV Stick थर्ड जनरेशन आप लेते हो तो इसका प्राइस 3999 रुपीज़ में Amazon पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही कम कीमत पर आप आपके नॉर्मल प्रोजेक्टर को
स्मार्ट बना सकते हो अमेजोन फायर टीवी स्टिक के साथ। तो कैसा था आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर भेजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए गैजेट रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।